पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, फोकल पर्सन हुकूमत पाकिस्तान और अमरीका में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल एजेंट सफदर हुमायूं कुरैशी की जानिब से मुनक्कदा इस्तकबालिया जलसे में तब्दील। मेहमान खसूसी साबिक एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और एडिशनल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब चौधरी जावेद अख्तर की मोहब्बत में पार्टी अहदेदार व कारकुनान जोग दर जोग चले आए। तकरीब का आगाज जनरल सेक्रेटरी पीपीपी न्यूयॉर्क स्टेट राजा असद ने तलावत कलाम पाक से किया और निजामत के फ़राइज अदा किए। मुकर्रीन ने अपने खिताब में जावेद अख्तर चौधरी की पार्टी खिदमात पर रोशनी डाली, उनकी कुर्बानियों को सराहा और कड़े वक्त में पार्टी के साथ डट कर खड़े रहने पर ज़बरदस्त राज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन ने सदर पीपल्स पार्टी यूएसए खालिद अवान की क्यादत में पार्टी को जमहूरी जद्दोजहद के जरिए आगे बढ़ाने के अज़म का इरादा किया। मेहनत से काम करने वाले अहदेदारों को सराहा गया। काफ़ी नजरात आज की ये तकरीर एक निजी सी तकरीर थी, लेकिन मैंने खुद माना डालिया कि ये एक हमारे लिए एक सियासी इकट्ठ बन गया है और हमें जगह की तंगी की वजह से फिर पूरे स्टेज जो है उसका सहारा लेना पड़ा। मैं आज की तकरीर के मेज़बान जनाब सफदर हुमायूं कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग तशरीफ लाए और आज की जो तकरीर जो है उसका जो उसकी वजह क्योंकि जावेद अख्तर साहब जो कि हमारे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबका मुशीर पेट्रोलियम। अस्सलामु अलैकुम, मैं सफदर हुमायूं कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक शानदार तकरीर की और तमाम दोस्तों को बुलाया और तमाम दोस्त अपने अपने ख्याल का इजहार करेंगे, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, तमाम दोस्तों से मैं काम पेश करता हूँ। तो मैं अपने हालात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरी कारकर्दगी जो मैं आप काम करना चाहता हूँ मेरा, तो हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी को लेकर आएंगे। मैं अदा करता हूँ मानी का माशाल्लाह, ये हर दफ़ा जो है माशाल्लाह हमारे भाईजान जुनेद अख्तर साहब इज माई रियली रियली ओल्ड ब्रदर। मैं इनकी जो मोहब्बत का इजहार है जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो पता चलता है माशाल्लाह, और मुझे सबसे प्यारी चीज़ इनकी ये लगती है कि जब मैं लाहौर में था ये हर दूसरे दिन मुझे फ़ोन करते थे कितने हो वहाँ जो ये हो तो ये चेक करते थे कि डॉक्टर साहब कितने घूम देने, तो विच इज़ वेरी गुड कि कोई बंदा आपका भाई बहन के चाल है। तो हुमायूं भाई ये माशाल्लाह इट इज डिजर्व दिस एंड आप हमेशा माशाल्लाह जैसी खाने का और ये सबको इन्वाइट करते हैं, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे सक्सेस दे, और ये जो भाईचारा है हमारी पार्टी का ये जो फैमिली बनी हुई है ये इसी तरह रहे, और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो सब इधर तशरीफ लाए और हमें मौका मिला दोबारा बैठ के एक दूसरे से बातें करने का और मिलने का। थैंक यू सो मच। घर में फैमिली के मेंबर्स बैठे होते हैं, वैसे ही बैठे एक दूसरे से गपशप लगा रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और रही बात जावेद साहब की, तो डेफिनेटली जैसे बटवा ने भी कहा, सलमान बट साहब अभी यहाँ आए, उन्होंने कहा कि वो डिजर्व करते हैं ये एजाज जो उनके लिए आज एजाजी ये डिनर दिया गया है, ही डिजर्व दिस बिकॉज ही सर्व फॉर द पीपल्स पार्टी एंड अनदर डे आई हैड अ मीटिंग विद हिम एंड ही वाज टेलिंग मी कि उन्होंने क्या क्या किया और उस दौर में कैसे वो उन्होंने जेलें काटी और क्या क्या किया, तो इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। मैंने उनसे कहा कि हम बाकायदा इस पर एक मजीद सीटिंग रखेंगे क्योंकि मैं जानना चाहूंगी कि वाकई व्हाट ही एक्चुअली डिड फॉर द पार्टी और व्हाट ही बीन थ्रू, सो दैट हम सबके लिए एक मोटिवेशन हो। और उसके साथ ही सबको ये कहना चाहूंगी कि बहुत शुक्रिया इन बॉय स्कूल एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मेहमान बैठे हैं, आप लोग का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। जावेद साहब के लिए अगर बात हम करेंगे तो बहुत बहुत दूर तक जाएगी, इनफैक्ट दूर साहब तक चले जाएगी,
और मैं सरीश को भी कोट करूँगी कि वाकई हम इनसे सुनना चाहते हैं कि इनकी क्या तकलीफें थी, कैसे इन्होंने झेला सब, क्योंकि जब भी इनसे हमारी कोई सिटिंग होती है तो वो हमेशा कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनमें हम नौजवानों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और एज अ यंग बडिंग पॉलिटिशियंस हमारे लिए ये बहुत एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गाइडिंग अस ऑल द टाइम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव देम। थैंक यू सर। सबको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ। आपने कहा था खाने को बुलाया ये क्यों हो रहा है? टास्क दे रहे मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ हमारे जो सदर हैं सदर खालिद रहमान साहब। आई रियली अप्रिशिएट वो जहाँ वहाँ जाके भी हमारे साथ शेयर करते रहे, वो जो कुछ करते रहे वहाँ पे। लेकिन आई रियली वांट टू हियर फॉर दिस टाइम आई थिंक इन्होंने एक तारीख रकम की है, उन्होंने स्पेशल कुछ चीज़ें की हैं, तो आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट बिकॉज हम खाने खाते हैं मिलते हैं लेकिन वो कोई चीज़ वहाँ जाके ऐसी कोई चीज़ नहीं करते। हम जाके मीटिंग्स करके आ जाते हैं जितने भी खास खास लोग होते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट। आई वांट टू हियर दैट, आई वांट टू हियर जावेद साहब, हमारे जितने भी मेहमान हैं, थैंक यू सो मच इज्जत देने का। आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं सिर्फ खवातीन में ही मर्दों को भी लाने के लिए दोनों तरफ काम कर रहा हूँ। Where I was part of PSF back in the 70s from Gujarat. Some of our friends, they sacrificed for life and welcome me to yourself. I will play it. Thank you so much. Thank you everybody. फिर मुझे ये कैसे होना चाहिए, क्या होगा, जो उठा रहे हैं जो सबका खाना कर रहे हैं तो मेरे खाना पर कोई पानी की शक्ल होना चाहिए ना। तो जो सब आपका बहुत शुक्रिया और इन शाला हम लोग काम बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान में जाए और दोस्तों को जाकर बताएं कि न्यूयॉर्क की पार्टी बाकी अमेरिका की अमेरिका में कैसे काम हो रहा है जैसे आपने देखा है इसी तरह बताना, ना ज़्यादा बताना ना कम बताना। दूसरे दोस्त जो साथ हैं वो भी उनका बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अली मोहतरम हमारे डॉक्टर्स विंग के सदर हमारे साथ मौजूद है और ये जैसे के बाद से डॉक्टर हैं साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं ये हमें भी जानते हैं मैं आपसे थोड़ी सी बात होगी कर सकी आप लोगों से इंट्रोडक्शन होगा और मुलाकात होगी। नाइस टू सी अगेन ऑफ पीपल्स पार्टी एंड वेलकम। जो पीपल्स पार्टी में है इनका रूप साथ चल रहा है, ये बहन भाइयों का भी साथ चल रहा है, दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इधर हमें जो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम होता है वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग दूर के प्रोग्राम है, तो बहुत खुशी के साथ हम यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और बहुत शुक्रिया इधर बुलाने का और इजाजत का जो हमारे दोस्त भाई बहन सामने तशरीफ रखती है, सब का मैं तय दिल से मशहूर हूँ। तो बहुत शुक्रिया अल्लाह। सबसे पहले जनाब हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ऐसे के सदर हैं आदर दवान साहब, हमारे सीनियर लीडर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही जिन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा मुसीबतें उठाई, चौधरी जुवेद अख्तर साहब दूसरे अल्फाज से कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंसाइक्लोपीडिया हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिस्ट्री है हमारे कायदे अवाम से लेकर आज तक मेरा हाल है इनको एक एक लम्हे का एक एक डेट का और एक एक दिन का पता है कि ये कब वाकया हुआ और किस तरीके से कौन कौन बंदा जो उस सानहा में जो जिन्होंने किले की कैदें काटी, जिन्होंने घोड़े खाए, जो फांसी पर चढ़े, तो चौधरी जुवेद अख्तर साहब इनको भी फांसी का इनको भी जो है ना सजाए मौत का आर्डर हुआ था लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ये दोबारा जिंदगी दी है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये इस वक्त जो इस वक्त पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं, जहाँ तरीके से पार्टी के जितने भी गए जो आने वाले चेहरे हैं उनको पार्टी के बारे में बताते हैं, कायदे अवाम के बारे में बताते हैं,
मुकदमा के बारे में बताते हैं, तो ये एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा सरमाया है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के फैमिली पार्टी है, तो ये हमारा एक कल्चर है, जब हम अपने सीनियर लीडर से मिलते हैं तो उनकी कुर्बानियों को देखते हैं तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो हम यहाँ जो हम सारे लोग यहाँ कोई हमारा कोई जलसा नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सीनियर लीडर हैं जो चौधरी जुबेर साहब हैं उनके आनंद में हम सारे बैठे हुए हैं। और मेरी यही है कि कोई भी हमारा सीनियर लीडर आता है तो उसके लिए ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानियाँ जो टाइम जेल में काटा है, जो उन्होंने उस वक्त इतनी मुसीबतों में टाइम गुजारा होता है, तो उन्हें एहसास होता है कि यार हमने जो वक्त गुजारा था इनको लोग रियलाइज कर रहे हैं, इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी जगह मैं मोहतरमा अजरा डार साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सैरिश बुखार साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर उजमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये एक पिलर है, उसकी वजह ये है कि आज देखें कि आज बहुत मसरूफ दिन है, संडे का दिन है, ये आप इनको अप्रिशिएट ना करें तो वो भी एक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये एक कारोबार भी बिजनेस भी जॉब भी करती हैं, घर को भी देखती हैं, उसके साथ साथ मोहतरमा की जो लेगेसी है उसको भी लेकर चलती हैं। तो मैं इनको सलूट करता हूँ, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि यह इस माहौल में या इतने इतने जो मसरूफियत के टाइम में पार्टी को भी टाइम देती हैं, घर को भी और बिजनेस को भी देती हैं। मैं उस वक्त उस दिन मैंने चौधरी मरक वान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जूम मीटिंग में यकीन करें नुसरत लगारी साहबा की बड़ी तारीफ की, मेरा ख्याल है मैं उस चीज़ की वो हकदार हैं, जितना उन्होंने काम किया मैं उनको देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पर भी देखता रहता हूँ, मैं आए रोज उनकी अखबारों में टीवी में भी ऐड देखता रहता हूँ। तो हमें इस तरह जैसे वो काम इसका छीन लिया हमारे जो हमारे साथ किया गया, हमारी खवातीन को छह महीने में रखा गया, छह महीने, और वो खवातीन हमारे छोटे साहब होते थे उनकी मिसेज से नासर छोड़कर अरब जस्टिस अलकबाल भट्टी थे जिनको एक दहशतगर्द ने शहीद कर दिया गया, उनकी मिसेज थी उनको जेल किले में तशद किया गया, फिर शाला गद्दी थी जिसके भाई को फांसी हुई और वो जीए भट्टो का नहरा लगा के चूली को चढ़ा। तो इसी तरह बेशुमार जुनैदा मलिक थी हमारी पार्टी की, उनके बेटे के सामने तशद किया गया। आप अंदाजा करें अगर आपकी माँ के उसको थोड़ा सा भी बुरा भला कहे तो आप उसको कत्ल कर देंगे, अब उसके बेटा जब पे क्या गुजरती होगी जब उसकी माँ को उसके सामने तशद्दुद कर रहे थे। तो यह कुछ भी नहीं है, ये मैंने सारा लिखा किताब में, आपको एक बड़ी बहुत बड़ी हिस्ट्री मिलेगी उसमें से। तो मुसीबत यह है कि हमारी पार्टी नहीं कर इसको बता दे रही लोगों, नौजवान दूसरों को नहीं बता रही के लिए, नौजवान दूसरों को बता रहे हैं ये भट्टो साहब के कारण है, भट्टो साहब ने ये किया है। अब मेरे कहते हैं कि अजीज थे उनको, मैंने उनको कहा क्यों पी डी एम के हो, अब क्यों उसकी हालत गिरा क्या किया हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि उसमें उनको टाइम नहीं मिला। मैं तो बात सुना बेटा, 4 साल यह महत्ता में इलेक्शन होता है, 4 साल में इस दुख्तारी भट्टो ने मैंने तो न्यूक्लियर बनाया, 4 साल में दुख्तारी भट्टो ने इसको आए किया, 4 साल में उसने वहाँ कैंप फैक्ट्री बनाई जहाँ असला बनता है, 4 साल में उन्होंने स्कूल मिल गए जो इंडिया की सबसे बड़ी स्कूल मिली थी, 4 साल उन्होंने पासपोर्ट काम किया उसके पहले किसी के पास पासपोर्ट नहीं होता था, ये ओवरसीज आज जुल्फकारी भट्टो की वजह से था, ये ओवरसीज जुल्फकारी भट्टो ने इसकी बुनियाद रखी थी, वो उसके बारे में जब उन्होंने देखा कि चंद पाकिस्तान के चंद लोगों के पास पासपोर्ट है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने पासपोर्ट काम किया अपने दोस्तों को, तुजाजी साहब को, शेखाजी सुल्तान को, शाह कैसर को कहा कि मेरे लोग गरीब हैं मुझे उन्हें रोजगार चाहिए, आप मेहरबानी करें तो उनको रोजगार दो। तो जो चौधरी साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये गुजरात के पेट्रोलियम के मशीन थे, इनकी मेरी पहली मुलाकात इस्लामाबाद में हुई जनाब जहांगीर बदल के घर में जो साहब को, तो ये मेरे पुराने साथी हैं और इनके हमें बड़ा फखर है।
तो बाकी रहेगी जो खवातीन हमारी ये न्यूयॉर्क की स्पेशल खवातीन ये हमारी पार्टी का एक है कोई दिया नहीं वो जो काम कर रही है वो प्राउड ऑफ यू और अभी आपके फखर है जी ये काबिल एहतराम पीपीपी यूएसए के लीडरान और हर दिल अजीज ऑफिशियल खवातीन वालियार और आज की तकरीब के मेहमानों को सिलसिले रहनुमा जुवेगत साहब अस्सलाम वालेकुम। हुआ तो तय ये था कि हम बैठ के गपशप लगाएंगे और इस तरह मामला इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन फिर आपने माहौल बना लिया उनसे कह रही तो चलो चंद गुफ्तगू और कुछ ऐसे पॉइंट भी यहाँ पे रेज हुए। यहाँ आपने महसूस किया होगा कुछ हमारे ऑफिशियल जब गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा उनमें हिचकिचाहट भी होती है और ये आपको जहन नशीन रखना चाहिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये इंस्टीट्यूट है। अगर मुझे आप 90 में देखते और आज मुझे उसको कंपैरिजन करते तो उनके अंदर जो मैं हिचकिचाहट देखता हूँ ये कुछ भी नहीं है जो मेरे अंदर होती है। तो ये सिखाता है ये प्लेटफॉर्म यहाँ सिखाता है आपको एक सराइकी लीडर का एक छोटा सा थोड़े माहौल को बेहतर करने के लिए उसका सनाटा में चुटकला कि वो बजाय बहुत बड़े लीडर थे तो तकरीर करते हुए वो भी हिचकिचाते थे तो जब वो वापस आते तो पसीने से शराबूर होते थे, बड़ी बुरी हालत होती थी। ड्राइवर बेचारा बड़ा परेशानी वो मुश्किल में उनको अंदर डालता। एक दिन ड्राइवर तंग ही आ गया, उसने कहा साईं पूरे कुत्ता काम छोड़े क्यों नहीं रहते। तो वो लीडर कह रहे हैं वो चले आ और जो तुम तेरे साईं का नाम पकेर देना सोसाइटी के अंदर और फिर भी अपने अपने उनके अंदर भी तो यहाँ से कुछ होता है। हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके और अगर जो बंदा या कोई खवातीन काम नहीं करेगा या काम करेगा तो अगर मैं उनकी अप्रिसिएशन नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। ये मुझ पर लाजम होता है जो भी काम करे मैं उसकी अप्रिसिएशन करूँगा क्योंकि हम पेश चेक तो देते नहीं हैं, वॉलंटियरली इतना वो काम कर रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को शिकवा रह जाता है कि कहीं मैं किसी का नाम मिस कर गया या नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जो बेहतर काम कर रहा होता है उसकी ज़्यादा अप्रिसिएशन हो रही होती है, इसलिए कभी आप महसूस ना करें आपके बगैर ये पीपीपी यूएसए बन ही नहीं सकती थी और जिस मकाम पे है ये हो ही नहीं सकती थी। मैं शुक्रगुजार हूँ रजे साहब का कि आपने उस रवायत को बरकरार रखा कि हम पीपीपी यूएसए वाले ये एक रवायत है कि जो भी हमारा लीडर आता है हम उसकी ऑनर में उसके साथ बैठते हैं, उनके लिए अशाइया उनको अप्रिशिएट करना, उनकी खिदमत को अप्रिशिएट करना यही फैमिली है ना, यही हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है जिसको बरकरार रखते हुए। थैंक यू वेरी मच आपने इसको रखा। जुवेद चौधरी साहब की बड़ी खिदमत पार्टी के लिए लीडरशिप के लिए तो आपने उनको ऑनर किया, ये आपने पीपीपी यूएसए के सर को बुलंद किया और आप इसी तरह मीडिया सारे। आखिर में मेज़बान सफदर हुमायूं कुरैशी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। करना चाहता हूँ कि आपने अपने उनसे टाइम निकाला यहाँ तशरीफ लेकर आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जाहिद शहबाज, पाक वतन टीवी, न्यूयॉर्क।